बीड़े स्पेशल फिल्म निर्माताओं के लिए गरीबों का अमिताभ बनकर उभरे मिथुन चक्रवर्ती। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के लिए कलाकारों को जहां कई वर्षों का समय लग जाता है, वहीं मिथुन चक्रवर्ती उन चंद अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए यह पुरस्कार हासिल हुआ था। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म मृग्याबत और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के सिने करियर की पहली फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे संथाली युवक मृग्या की भूमिका निभाई जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अपनी पत्नी के यौन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है। फिल्म में उन्हें दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16 जून को कोलकाता शहर में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती, मूल नाम गौरांग चक्रवर्ती, ने स्नातक की शिक्षा कोलकाता के मशहूर स्कॉटिश चर्च से पूरी की। मिथुन चक्रवर्ती अपने जीवन के शुरुआती दौर में वामपंथी विचारधारा से काफी प्रभावित रहने के कारण नक्सलवाद से जुड़े रहे, लेकिन अपने भाई की असमय मृत्यु से उन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया और पुणे फिल्म संस्थान में दाखिला ले लिया। फिल्म मृग्या की सफलता के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती को बतौर अभिनेता काम नहीं मिल रहा था। आश्वासन तो सभी देते, लेकिन उन्हें काम करने का अवसर कोई नहीं देता था। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती को दो जाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन जैसी कुछ फिल्मों में छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। वर्ष 1979 में मिथुन चक्रवर्ती को रविकांत नगाइच की फिल्म सुरक्षा में काम करने का मौका मिला जो उनके सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। मारधाड़ और एक्शन से भरपूर इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक जासूस की भूमिका में थे। उनका यह अंदाज सिने प्रेमियों को काफी पसंद आया। बाद में वर्ष 1982 में इस फिल्म का सीक्वल वारदात बनाया गया। मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत का सितारा वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म डिस्को डांसर से चमका। नाच गाने से भरपूर इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर की भूमिका में दिखाई दिए। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी बी सुभाष निर्देशित इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म डिस्को डांसर की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती की छवि एक डांसिंग स्टार के रूप में बन गई। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने अधिकतर फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती की डांसिंग अभिनेता की छवि को भुनाया। इन फिल्मों में कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस जैसी फिल्में शामिल है। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती उन निर्माताओं की पहली पसंद बन गए जो कम बजट की पारिवारिक फिल्म बनाते थे। इस दौर में वे फिल्म निर्माताओं के लिए गरीबों का अमिताभ बनकर उभरे और कई सफल फिल्मों में काम करके दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रहे। 90 के दशक के आखिरी वर्षों में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से कुछ हद तक किनारा कर लिया और उठी चले गए, जहां वे होटल व्यवसाय करने लगे। हालांकि इस दौर में भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से अपना नाता पूरी तरह से नहीं तोड़ा और फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों का मन मोहते रहे। अभिनय में एकरूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 2005 में प्रदर्शित फिल्म इलान में ग्रे शेडस निभाकर अपने सिने करियर की दूसरी पारी शुरू की। वर्ष 2005 में ही मणिरत्नम की फिल्म गुरु में उनके अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। मिथुन चक्रवर्ती के सिने करियर पर नजर डाले तो पाएंगे कि वे मल्टी स्टार फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं। जब कभी फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्मों में अभिनेता की जरूरत होती, वे मिथुन चक्रवर्ती को नजरअंदाज नहीं कर पाते। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने सिने करियर में सभी नामचीन अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन पहले पर्दे पर उनकी जोड़ी रंजीता के साथ खासी पसंद की गई। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी श्रीदेवी, पद्मिनी कोल्हापुरी और जीना अमान के साथ भी पसंद की गई। मिथुन चक्रवर्ती अपने सिने करियर में अब तक 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती अपने सिने करियर में लगभग 250 फिल्मों में अभिनय किया है।